सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामा पा को इतने महीने से चल रही संगीत की जंग का विजेता मिल गया, और ये विजेता कोई और नहीं बल्कि केरल की मल्टी टैलेंटेड प्यारी सी दिखने वाली, अपने संगीत से सभी के दिलों पर राज करने वाली आर्यनंदा बाबू है। जी हाँ दोस्तों, आर्यनंदा बाबू ने सारेगामा पा 2020 का खिताब अपने नाम किया और वो 5 लाख रुपए की राशि अपने साथ घर लेकर गई हैं। फिनाले में आर्यनंदा को टक्कर देने में और भी कंटेस्टेंट थे, जिनमें गुरकीरत फर्स्ट रनर अप रहे और रोनिता बनर्जी सेकेंड रनर अप। आर्यनंदा को इस जीत के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बधाइयां मिल रही है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर लोग आर्यनंदा को केरल सरकार से उनकी आर्थिक मदद की बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम केरल सीएम तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आर्यनंदा बाबू ने अपने हुनर से पूरे देश में केरल का नाम रोशन किया है, उसके लिए उन्हें सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिले। दोस्तों आपको बता दें कि सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 10 के खिताब को जीतने वाले सलमान अली को हरियाणा सरकार ने 21 लाख रुपए की मदद की थी। उन्हीं पैसों से सलमान अली को अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका मिला था। तो दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को आर्यनंदा बाबू को आर्थिक रूप से सहायता करनी चाहिए? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।